थाना मेरा अपना वा ठीक है जी बस कहता थाना मेरा अपना वा ठीक है जी बस। उस तो बाद राम ड्रिंक करके घर सारा तोड़ दिता, गेट भी तोड़ दिता और प्लस शर्मा ठीक है मुड़के तो गान शर्मा ठीक है मुड़के तो गान शर्मा ठीक है मुड़के तो घर बंदे ये वाड़ दी है। तुम जाकर देखो साढ़े कैमरे सीसीटीवी फुटेज पे साढ़े को घर रात को 12-12 बजे कदम कुड़ी आंदी रात को 12 बजे मुंडा लैके कोई असि चुप हाँ असि मीडिया के मेरी गल सुनो तुम सारी दिहाड़ी मीडिया के रेंदे हो तुम पता ईशान शर्मा कि काम करता आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नाउ। आज की अपडेट हम आपको पंजाब डिस्ट्रिक्ट जालंधर से बताएंगे आवारा कुत्तों को लेकर तथा कथित नेता मोहल्ले की महिला के साथ उलझा। मोहल्ले के आवारा कुत्तों को लेकर खुद को नेता बताने वाले व्यक्ति पर मोहल्ले की रहने वाली एक महिला ने लगाए गंभीर आरोप। मीडिया को जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने कहा कि उक्त तथा कथित व्यक्ति खुद को नेता बताता है और आए दिन मोहल्ले में शराब पीकर हुड़दंग करता है। इतना ही नहीं बल्कि महिला ने यह भी आरोप लगाया उक्त नेता के पास जो रिवॉल्वर है उसने उसे व उसके बेटे को रिवॉल्वर दिखाकर गोली मारने तक की धमकी दी है। आगे पीड़ित महिला ने बताया कि उक्त तथा कथित नेता द्वारा थाने में भी SHO के सामने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई करने की बजाय मौके पर मौजूद थाना 5 के SHO मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे और उक्त नेता धमकियां पर धमकियां दे रहा। जब इस संबंध में मौके पर मौजूद तथा कथित नेता से मीडिया कर्मियों ने बात की तो उन्होंने उक्त पीड़ित महिला पर लांछन लगाते हुए कहा कि उक्त महिला के घर पर रात के 11-12 बजे तक मर्दों का आना जाना लगा रहता है। इतना ही नहीं उक्त तथा कथित नेता ने उसकी बेटी पर भी लांछन लगाते हुए कहा कि महिला की बेटी भी रात 12 बजे तक मोहल्ले की सड़कों पर घूमती रहती है। अब देखना यह होगा कि उक्त तथा कथित नेता की एक महिला के चरित्र पर की गई टिप्पणी पर महिला आयोग कोई कार्रवाई करेगा या उक्त पीड़ित महिला व उसका परिवार यूं ही थाने में इंसाफ के लिए धक्के खाता रहेगा। आप खुद ही सुनिए क्या है पूरा मामला, क्या कहना है पीड़ित महिला का तथा उक्त तथा कथित नेता का। संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਵਾਈਫ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੌਣ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮਰ ਜਾਣ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ 2 ਅਟੈਕ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਖੇਲੋ 3 ਘੰਟੇ ਖੇਲੋ 5 ਘੰਟੇ ਖੇਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ 5 ਘਰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੇ ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬ ਤਾਂਡਵ ਕੀਤਾ 3-4 ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ 11:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12:15 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੇਟ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਇਥੋਂ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ कमरा गेट भी तोड़िया गेट तोड़िया पुलिस मौके से कोई पुलिस नहीं गई कोई कुछ नहीं गया वो कहता थाना मेरा अपना वा ठीक है जी बस सर छोटा जिहा डिस्प्यूट जे हुंदा ते तुहाडे कोल बैठ के समझाया ना जांदा की कहना चाहोगे इस बारे नहीं तुहाडे मोहरे गोली मारन दी गल कीती गई तुहाडे मोहरे गोली मारन दी गल कीती गई भाजी मेरे कैमरे नूं ना हत्थ मारो प्लीज मेरे कैमरे नूं नहीं हत्थ मारना भाजी मेरे कैमरे नूं
घर बंदे वाड़ी है तुम जाके देखो साढ़े कैमरे सीसीटीवी फुटेज पई ने साडे कोल घर रात नूं 12-12 बजे कदे इहदी कुड़ी आंदी रात नूं 12 बजे मुंडा लैके कोई असि ये की मतलब है यार कुत्ते वाला की काम है कुत्ते वाला कोई काम नहीं कुत्ते छोटे छोटे रखे इन्होंने कुत्ते बच्चों की साइकिल थले आते ने बच्चों नूं वढ़दे ने जो तो कुत्ते बार बार किसी के बच्चों नूं वढ़न तो ऑलरेडी हुण तुहाडे बच्चे होण ते तुहाडे बच्चों नूं एक बार नहीं दो बार नहीं पांच बार कुत्ते वढ़ लैण बार बार तो तुसीं की करोगे दसो सर उन्हां वल्लों इल्जाम भी लाए जा रहे कि यार उन्हां वल्लों इल्जाम मारन दी धमकी भी दित्ती जा रही है इल्जाम तुसीं मेरी गल तुसीं वेरीफाई करदे हो इल्जाम लाए हो सर ओह कह रहे जिहड़ा ये कहंदे तुहानूं पुछ रहे आ कहन नूं कुछ नहीं ओह इल्जाम लगा रही है ओह इल्जाम ओहदे कोल प्रूफ हैगा इल्जाम दा नहीं नहीं ओहदे कोल प्रूफ हैगा इल्जाम दा ओह किद्दां कहण लग गई नहीं नहीं ओह किद्दां कहण लग गई शायद जी छोटी लेडी मेरा मेरी गल सुनो ओह तां मेरा वैसे ही राजनीतिक करियर खराब करन ते तुरी है मैं 24 घंटे थ्रेड ते रहना कल नूं मैं मर गया मैनू कुछ हो गया मेरे परिवार नूं कुछ हो गया एदी जनानी ते जिहड़ा इहदा बंदा इह जिम्मेवार होणगे मैं तुहानूं क्लीयर कट अज मीडिया दे मूहरे कह रहा तुसीं मोहतवार बंदे हो फिर थाने च बह के धमकी क्यों दिंदे भाजी धमकी नहीं दित्ती रोंग हो धमकी वो कह रही है कि तुसी मेनू घरो जो गली दे बाहरों आंदे एक मिनट मेरी गल सुनो एसएचओ साहब इत्थे मौजूद मेरी बेनती सुनो एसएचओ साहब भी इत्थे मौजूद ने उन्होंने पुछ लो।